फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि अगर किसी भी इंसान को जिंदगी में यूरिक एसिड की समस्या हो और वो उसे एक दिन में ठीक करना चाहता हो तो कैसे ठीक किया जा सकता है। आप एक दिन इसका इलाज लेकर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन इसकी रिपोर्ट जरूर करवाइएगा, यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये इलाज बहुत ही कारगर लगेगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी इलाज का स्टेप आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, यूरिक एसिड बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट चीज है, बिल्कुल वेस्ट है जो शरीर से बाहर निकलना ही चाहिए, लेकिन भगवान ने ये एक प्रक्रिया बनाई है कि यूरिक एसिड शरीर में बनता भी जरूर है। दोस्तों, जैसे कि बॉडी में गैस बनती है और बाहर निकलती है, सेम वैसे ही ये गैस बाहर निकलने का काम अलग है, लेकिन जो यूरिक एसिड बाहर निकालने का काम है वो किडनी द्वारा होता है। यानी ये यूरिक एसिड बाहर किडनी ही निकालती है। जब हमारे शरीर के अंदर इस यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि कह सकते हैं या फिर तो शरीर यूरिक एसिड को जरूरत से ज्यादा बना रहा है, या किडनियों का फंक्शन स्लो हो चुका है, यानी कि किडनी अपना पूरा काम सही से नहीं कर पा रही, जिसके कारण यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है। एक चीज आप जान लीजिए कि यूरिक एसिड शरीर में बढ़ रहा है तो इसका सबसे पहला प्रभाव हमारे पैरों के अंगूठे और एड़ी पर पड़ता है। अगर आपको उसमें चुभन या दर्द या सूजन महसूस हो रहा है तो आप जल्दी ही अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए और इसका इलाज शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये समस्या ज्यादा लंबे टाइम तक चलती रहे तो ये घुटने और जोड़ों को प्रभावित करती है और वहाँ सूजन आ जाती है। यूरिक एसिड तेजी से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि ये शरीर में बड़ी ही जल्दी फैल जाती है और शरीर को जकड़ लेती है। इसका इलाज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको मैं डाइट बता रही हूँ और मैं बता रही हूँ औषधि यानी कि इलाज, जिसे आपने एक दिन जरूर फॉलो करना है, यानी पूरा दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप इसे चेक जरूर करवाइएगा। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका परहेज आपने जरूर रखना है। सबसे पहले आपने राजमा, उड़द की दाल, अरहर की दाल, जो गोभी होती है ना, गोभी, वो नहीं खानी, मशरूम नहीं खानी, मीट, फिश, एग, यानी कि रेड मीट वाली चीजें या नॉन वेजिटेरियन चीजें, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ज्यादा प्रोटीन को बनाती है और प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो यूरिक एसिड भी ज्यादा बनता है, यानी कि नॉन वेज वाली सारी चीजें, अल्कोहल, ज्यादा मीठा, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके अंदर ही यूरिक एसिड बनता है, जो लोग वेजिटेरियन है लेकिन मीठा और नमक ज्यादा खाते हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप ज्यादा पानी पीजिए ताकि जो भी यूरिक एसिड बन रहा है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बॉडी से बाहर हो जाए, और हो सके तो आप जब पानी पी रहे, गर्मियां ही चल रही हैं, लेकिन आप गुनगुना पानी ही पीजिए, क्योंकि 18 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी जब अपने पीते हैं तो यूरिक एसिड सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है और शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, वो चीज कौन सी है, आपने क्या करना है? दोस्तों, अजवाइन लेनी है, पहली चीज अजवाइन है और दूसरी चीज है अदरक। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए औषधि के तौर पर? दोस्तों, अजवाइन और अदरक के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को घुला देती है, मेल्ट कर देती है, सूजन को बॉडी से दूर कर देती है। ये दोनों की दोनों चीजें यूरिक एसिड को दूर करती है, लेकिन अगर इन दोनों चीजों को मिक्स करके लिया जाए, यानी कि मिलाकर लिया जाए, तो इनकी ताकत डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच अजवाइन डाल देनी है, इसके बाद आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा क्रश करके कद्दूकस करके डाल दीजिए। इस तरीके से आपने डाल देना है और इस पानी को ऐसे ही ढककर 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप किसी बर्तन में डालिए और इसे उबलने के लिए रखिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपने इस पानी को 3-4 मिनट के लिए उबालना है और ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये पानी 5-10 मिनट के लिए पड़ा रहेगा तो इन दोनों चीजों के औषधीय गुण बहुत बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस पानी को छान लेना है, ये जितना भी गुनगुना बचा है, इसे दोबारा गर्म नहीं करना, जितना भी गुनगुना बचा है 10 मिनट के बाद आपने इसे चाय की तरह पी लेना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इसे पीना कब है,
तो आपको एक चीज बता दूं कि जरूरी नहीं कि आप इसे सुबह खाली पेट ही पिए, लेकिन दिन में खाली पेट कभी भी पी सकते हैं, यानी कि नाश्ता करने के 2 घंटे बाद या आप लंच करने के 2.5 घंटे बाद इसका सेवन बड़े आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा रात को सोते टाइम इसका सेवन नहीं करें, दिन में करें। दोस्तों एक दिन इसका इलाज करके और परहेज करके आप यूरिक एसिड को मात दे सकते हैं, यानी कि उसे शरीर से पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। लेकिन इस इलाज को आपने एक दिन छोड़कर 15 दिन तक करना है। इस तरीके से आप यूरिक एसिड को जोड़ों के दर्द को या घुटनों के दर्द को, उसमें होने वाली सूजन को पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।